मीडिया में एंकर ही हैं जो देश की बात जनता के सामने रखता है अपने डिबेट या शो के जरिए। आज हम कुछ एंकर्स की डिबेट देखेंगे कि उन्होंने पिछले 5 दिन में अपनी डिबेट में कौन से मुद्दों को तवज्जो दी। पहले बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी की और देखते हैं कि उन्होंने किन मुद्दों पर चर्चा की। पहला, क्यों फ्रॉड है सरकार की पूरी हेल्थ पॉलिसी। दूसरा, कोई प्लानिंग है या मौत का अभ्यस्त हो जाए देश। तीसरा, जब राजनीतिक हिंसा ताकत का प्रतीक हो तब कानून का राज कहां। चौथा, देश में सरकार है कहां और कौन चला रहा है। और पांचवा, तो क्या 75 सीटों के एवज में देश बर्बाद कर दिया प्रधानमंत्री ने। देश में कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है और वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी ने अपने वीडियो के जरिए सरकार की हेल्थ पॉलिसी को लेकर सवाल उठाए। दोस्तों, इस देश में जितने वेंटिलेटर नहीं है उससे ज्यादा बड़ी तादाद में लोग वेंटिलेटर पर कैसे हो सकते हैं। इस देश में जितने आईसीयू या उसके बेड नहीं है उससे कई गुना ज्यादा मरीज आईसीयू में कैसे भर्ती हो सकते हैं। इस देश के भीतर में जितने ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है उससे ज्यादा बड़ी तादाद में इस देश के लोग जो बीमार हैं, मरीज हैं, कोविड पॉजिटिव हैं, वह सिलेंडर के साथ कैसे जी रहे होंगे। ये आंकड़े इस देश के हेल्थ मिनिस्टर का है। और क्या इस देश की सरकार ये बताने की परिस्थिति में है कि इस देश के भीतर में कितनी बड़ी तादाद में आईसीयू बेड हैं, वेंटिलेटर हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स हैं जो अलग अलग मरीज अपने घरों में लगाए हुए हैं या फिर अस्पतालों में हैं। हमें लगता है कि इस देश के भीतर में मौतों का छुपाना, मरीजों के बारे में जानकारी ना देना, संक्रमणों की संख्या को छुपा ले जाना, जांच की रफ्तार धीमे कर देना, यह सब कुछ इस देश में लगातार चल रहा है। अब बात करते हैं न्यूज 24 के वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी और जानेंगे उन्होंने किन मुद्दों को जनता के लिए जरूरी समझा। राज्य राज्य लॉकडाउन, कहां है लॉकडाउन, जान है तो जहान है। दूसरा, गांव देहात में चुपचाप घुस गया कोरोना। तीसरा, देश में कोरोना से निपटने का कोई मॉडल है भी। चौथा, कोरोना काल में इलाज का भरमजाल। और पांचवा, कोरोना पर सियासत करेंगे या वैज्ञानिक तरीके से लड़ेंगे। कोरोना देश में काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। संदीप चौधरी लगातार ऑक्सीजन और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर डिबेट कर रहे हैं और बीजेपी के नेताओं से सवाल भी कर रहे हैं। आइए देखते हैं उनकी एक डिबेट। अपराजिता सारंगी, सब एक्सपर्ट्स की राय ये है, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया हो, डॉक्टर प्रदीप सेठ हो, डॉक्टर यतिन मेहता हो, मैं डॉक्टर फाउची का जिक्र ही नहीं कर रहा, कि चेन को ब्रेक करना होगा। आज वस्तु स्थिति क्या है? स्थिति ये है कि 10 राज्यों में संपूर्ण लॉकडाउन है। हमने केजरीवाल जी को चुनाव में हतप्रभ रह गई। उन्होंने कहा इस बार हम सख्ती के साथ करेंगे। इसका अर्थ क्या हुआ? वो चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो मुख्य है, वो चाहे तो वो कर सकते देश के चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है? प्रधानमंत्री जी अपराजिता, देश के चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है? के साथ चर्चा कर चुके हैं। आप मेरी बात सुने? हाँ हाँ, आप लोगों की बात मैंने सुनी, अब मेरी बात आप सुने। धैर्य रखें, संयम रखें, अभी संयम की जरूरत है, इसकी जरूरत है, आप लोग करें और इसमें केंद्र सरकार पूरी सहायता देगी। और नेशनल तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन गलत सलाह दे रहा है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन केंद्र सरकार को और स्वास्थ्य मंत्रालय को गलत सलाह दे रहा है। अपराजिता, अब बात गोदी मीडिया के एंकर की करते हैं और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों को तवज्जो दी। पहले बात करते हैं इंडिया टीवी के पत्रकार रजत शर्मा की और देखते हैं कि उन्होंने किन मुद्दों को देश की जनता के लिए जरूरी समझा। पहला, नए वेंटिलेटर हैं फिर भी मरीज क्यों तड़प रहे। दूसरा, ऑक्सीजन के नकली सिलेंडर वाला रैकेट एक्सपोज। तीसरा, आपका स्वाब टेस्ट वायरस दे सकता है। चौथा, दिल्ली महाराष्ट्र में जारी वैक्सीनेशन पर ग्राउंड रिपोर्ट। और पांचवा, शहर शहर ऑक्सीजन के लिए हाहाकार कब तक। रजत शर्मा ने अपनी रिपोर्ट में दिल्ली और महाराष्ट्र में वैक्सीनेशन की बात की, जिसमें वह इन दोनों सरकारों पर सवाल खड़े करते नजर आए। लेकिन वह ये शायद भूल गए कि राज्यों को वैक्सीनेशन मुहैया करवाना केंद्र सरकार का काम है, तो सवाल भी केंद्र सरकार से उन्हें करने चाहिए थे। आज सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद कहना चाहता हूं। योगी आदित्यनाथ ने मेरी एक अपील पर उत्तर प्रदेश में रहने वाले और काम करने वाले पत्रकारों और उनके परिवारों को मुफ्त में वैक्सीन लगाने का ऐलान किया है, इसके लिए योगी आदित्यनाथ को शुक्रिया। यूपी में सरकार ने नौजवानों का टीकाकरण फेज वाइज शुरू किया है, जितनी वैक्सीन अवेलेबल है उतने लोगों को बुलाया जा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में काम इतने सिस्टमेटिक तरीके से नहीं हुआ। पहले बीड जिले से आई तस्वीरें आपको दिखाता हूं। कोरोना काल में ऐसी तस्वीरें देखकर
डर लगता है। ये बीट के माली बेस गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर की तस्वीरें हैं। भीड़ देखकर कर्मचारी तो गायब हो गए, तो धूप में खड़े लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। आप सोचिए कि ये लोग कोरोना से बचने के लिए उम्मीद में वैक्सीन लगवाने आए थे। अब बात करते हैं आज तक के वरिष्ठ पत्रकार चित्रा त्रिपाठी की और जानेंगे उन्होंने किन मुद्दों को जनता के लिए जरूरी समझा। पहला, कोरोना की मार, दिल हुआ बीमार। दूसरा, बिहार में बीजेपी नेता के घर पर एम्बुलेंस की लाइन। तीसरा, ऑक्सीजन के दलाल कब होंगे गिरफ्तार। चौथा, कोरोना भारी लेकिन सियासत जारी। और पांचवा, बंगाल में हिंसा को रोकने में ममता नाकाम साबित हो रही हैं। देश में इतनी भयंकर महामारी के चलते भी आज तक के चित्रा त्रिपाठी जी ने ममता सरकार पर निशाना साधने का मौका नहीं छोड़ा। बंगाल में चुनाव के बाद जारी हिंसा में आज एक बड़ी घटना हो गई है। पश्चिमी मेदिनीपुर में केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन के काफिले पर हमला हुआ। मुरलीधरन बंगाल बीजेपी के नेता राहुल सिन्हा के साथ नतीजे आने के बाद हुई हिंसा के पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने के लिए जा रहे थे। अपने काफिले पर हुए हमले को मुरलीधरन ने लोकतंत्र पर हमला बताया है। हमले की निंदा टीएमसी ने भी की है, लेकिन राजनीतिक तनातनी साफ देखी जा रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि कोविड संभालने की बजाय केंद्र बंगाल में टीमें भेज रहा है। आपको ये भी बताते चले कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक टीम बंगाल के हिंसा पर ग्राउंड रिपोर्ट लेने भेजी गई है और बंगाल सरकार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हिंसा पर चेताई भी है। ऐसे में आज दंगल में बंगाल में बने इसी माहौल पर बहस करेंगे। हम सवाल पूछेंगे कि केंद्रीय मंत्री पर हमला आखिर किसकी शह पर हुआ। हमारा सवाल है कि क्या इसे ममता बनर्जी की नाकामी कहें, और दंगल में बहस में इस चुनाव के बाद क्या वहां पर खेला जा रही है बहस। आपने अब खुद ही देखा कौन किन मुद्दों को आपके लिए जरूरी समझता है। गोदी मीडिया सवाल तो नहीं पूछता, ना ही अधिक जानकारी देता है, पर हम आप तक सही और ज्यादा जानकारी पहुंचाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।